हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नॉलेज की एबीसी। आज की अपनी वीडियो में हम क्लास प्लस टू का हरियाणा बोर्ड का फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर आता है उसका पैटर्न देखते हैं, उसका ब्लूप्रिंट डिज़ाइन कैसा आता है, किस तरह का पेपर सेट होता है, बोर्ड कैसे पेपर सेट करता है, ये देखेंगे हम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा बोर्ड फिजिकल एजुकेशन क्लास प्लस टू का जो फाइनल पेपर और सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट का पेपर आता है उसका पेपर कुछ इस तरह से होता है। देखिए, 3 घंटे का टाइम होता है हमारे पास और 60 मार्क्स होते हैं। थ्योरी 60 मार्क्स की होती है और बाकी प्रैक्टिकल भी होता है इसके अंदर, तो अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल में अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं, 90% से ज़्यादा ज़्यादा नंबर सभी के लग जाते हैं ऑलमोस्ट। इसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो कैसा आता है, देखिए इसमें आपके 3 क्वेश्चन 5-5 नंबर वाले आते हैं ऐसे टाइप, 7 क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर वाले आएंगे और 6 क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले, और 12 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं 1-1 नंबर के। तो टोटल 28 क्वेश्चन, 60 मार्क्स और 3 घंटे का टाइम। अब इसमें यूनिट वाइज और कंटेंट वाइज वेटेज देखते हैं कि किस यूनिट में से, किस चैप्टर में से कितने नंबर का पेपर आता है। सबसे पहला देखिए, फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, ये चैप्टर है, यहाँ से 9 नंबर का पेपर आएगा आपका। सेकंड ट्रेनिंग मेथड है, 7 नंबर का आएगा इसमें से। हेल्थ एजुकेशन में से 6 नंबर का। अगला है एथलेटिक केयर, 6 नंबर का। सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, 8 नंबर का यहाँ से। सिक्स्थ है फैमिली लाइफ एजुकेशन, 8 नंबर का इसमें से। योगा एजुकेशन 5 नंबर का। ओलंपिक मूवमेंट 5 नंबर का। 8 चैप्टर हो गए। आगे आपका 9th चैप्टर है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, 6 नंबर का यहाँ से। तो टोटल मिला के आपका 60 मार्क्स का पेपर हो जाता है। तो ये हमारे इसका चैप्टर वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूशन था। और इसमें जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है उसमें इंटरनल चॉइस भी आती है। डिफिकल्टी लेवल है 10% डिफिकल्ट आता है आपका, 50% पेपर आपका एवरेज आता है और 40% पेपर बिल्कुल ईजी आएगा। तो इस हिसाब से बोर्ड का, ये जो हरियाणा बोर्ड का पैटर्न फिजिकल एजुकेशन का सेट होता है, इसी हिसाब से पेपर आता है हर साल। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। आपको आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।